तू भी पिक कर। चीयर्स चीयर्स। अंदर मैं कहता हम यहाँ बैठ सकते, कहते जी बिल्कुल ऐसे करके हाथ। अरे नहीं उसके अंदर नहीं, यहाँ अंदर ये नेचुरल साउंड आती रहेगी ना यहाँ पे। ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया ना, ट्रैक्टर की साउंड ये सबसे कमाल की बात है। हाँ। तो ये जो रियलिटी है ना पंजाब की कि कुछ अभी क्या है? तो ये जो रियलिटी है ना पंजाब की बेसिक लग तो हम सारे ही बड़े अच्छे रहे। अरे इसमें तो आ रहा है कि बैटरी कम हो गई हमारी। बैटरी ला रहा है कोई? जाओ भाग भाग भाग। गुरप्रीत की टेंट गोवा वाली लुक आ रही है ना, मैंने खेती कर करके अच्छी कर ली है। An eternity later. बड़ी बेचैनी हुई होगी जिमें जुबान फिल्म विचला किरदार सी है जांदा लास्ट डेट वाला है गया। ये अपना ही बंदा भागता हुआ आ रहा है। मुझे लगता है कैमरा की तो चार्ज हो जाएगी बैटरी, इसकी बेचारे की निकल जाएगी। बढ़िया मजा आया रास्ते में, मैं आया और ट्रैक्टर टुक्टर थे, मजा आया आपको देख। हेलो एंड वेलकम टू अनदर फाइन एपिसोड ऑफ आस्क ओजस्वी। आज का जो एपिसोड है वो गुरप्रीत वड़ैच की वजह से हो रहा है। गुरप्रीत ने इतने सवाल भेजे, इतने सवाल भेजे, तो हम लोगों ने फिर क्या किया कि हमने एपिसोड इनके पिंड में ही आके शूट करने का निर्णय लिया। तो आज हम गुरप्रीत वड़ैच से इनके सवालों के जवाब देंगे और कुछ अगर वक्त बचा तो ऑडियंस के सवालों के जवाब भी हम इसी एपिसोड में देंगे। बिल्कुल, चलें बात करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा अपना गुरप्रीत वड़ैच। तुम मैनू देख रहे हो हर बार की तरह रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट से। सो अज मेरे नाल ने उस जज्बातों के जोड़े फिल्मा बनाने के जोड़े थोड़े विषय सीगे वो पिछे जोड़ा काम करते हैं मेरे भाजी ओजस्वी शर्मा जी। जी आया भाजी, मैनू इन्ना चंगा लग रहा है मैं थोड़ी जी पंजाबी च गलबात करा। हाँ जी प्लीज़, अपने ही शो ते मेरा वेलकम किया जा रहा है। वही तो गल है ना, पहला तुसी करदे सी अज मैं थोड़ा। नहीं बहुत बहुत चंगा लग रहा है, बहुत मज़ा आया। किद्दां लग रहा भाजी पिंड आके? सब तो पहली चीज़ मैनू जी सब तो अच्छी लगती है ना, मैं खासकर जी इस लोकेशन ते असीं हैगे हां, मतलब एक तो जी खुशबू है ना मिट्टी की। ये अपना इतने घुमाओ जरा, इन्हों दिखाओ। हाँ वेन्यू लोकेशन की हैगी है। जब भी हम लोग विलेजेस में आते हैं या जिसको पंजाब में कहते हैं पिंडों में आते हैं, तो मतलब वहाँ की यहाँ की खुशबू ही कुछ अलग है। बिल्कुल ये एक ऑनसेट ऑफ द विंटर्स है, मतलब आज सर्दियाँ आने वाली है, शुरुआत हो चुकी है। हाँ मतलब प्लेजेंट है, हमारी बाजुएं ऑलमोस्ट पूरी चढ़ चुकी हुई हैं मतलब कपड़ों की, और अच्छा लग रहा है। राइट, कितना ना महसूस कर रहे हो कि फर्क लग रहा है पहला नालों ते हुण नालों पिंड दे विच? क्योंकि तुसीं पहला भी आ चुके हो, तुहाड़ियां शॉर्ट जिहड़ियां फिल्मां सीगियां बड़े वड्डे पद्धर दियां सीगियां जी, तुसीं उहनां दे सिलसिले विच। मैनूं लगदा पिंड 'च ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब सड़क बन गई हैं बहुत पासे, अर्बनाइजेशन जिन्होंने मैं कहता ना, दुकाना बहुत खुल गई ने, तो मोबाइलों दी दुकाना, मतलब खासकर डिजिटल दुकाना जी हैं, ATM थोड़े खुल गए ने कि हर छोटी चीज़ लिए बाहर नहीं जाना पै रहा। तो वो मैनू लगता है हुण हौली हौली करके शहरों का प्रभाव पैन लग पाया पिंडा च। जी जी ये मैनू लग गया आके इस बारी, पर इन्ना खुला नहीं लगता शहरों से क्योंकि शहरों में इन्नी चहल पहल, गड्डियां दी आवाजाई दी होर शोर शराबा बहुत है, लेकिन पिंडा में एक तरह की शांति है ना। बिल्कुल एक सुकून मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ज़्यादा करके तुसीं हिंदी च गल करदे हो, पर अज तुहानूं मेरे करके ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ मतलब पंजाबी अपने आप निकलन लग पैंदी है कि जिवें किसी नूं रस्ते जे रोक के राह पूछिए कि ये पिंड नूं मतलब किहड़ी सड़क जांदी है, वो जीपीएस भी ना एक पॉइंट तक ही चलता है उस तो बाद ना मतलब नोट दिस थिंग है ना, जीपीएस भी एक लेवल तक जाता है बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद तो हमें अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ता है। और फिर हम की लेके आ रहे हो पिंडा नाल लग्या होया, पिंडा नाल जुड़िया होया, की चल रहा थोड़े दिमाग च अजकल हुंदा कि गुरप्रीत जिहड़ी अज दी मतलब जो भी मेरे मन च स्टोरीज आंदियां ने या जो भी मैं राइटर्स नाल ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ डिस्कशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ हेलो प्लीज़ यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। इसने भी अपनी कंपनी बुला ली है दोस्तों, इसने भी अपनी कंपनी बुला ली है। सो जब भी पिंडों में शूट करेंगे गुरप्रीत तो ये लोग एक्चुअली मुझे लग रहा है किसे बुला रहे हैं जी, आपका स्वागत कर रहे हैं मेरे ख्याल से ऐसे भाजी मेरे को सवाल बहुत ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕਦਮ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? पिंड नूं लैके मैनूं एक चीज़ बहुत चंगी लगती है और जिहड़ी सादगी हैगी ना और जिहड़ी शांति मिलती है इत्थे आके। वो शहर च सानूं शोर है, इलैक्ट्रॉनिक्स ने, गैजेट्स ने, ट्रैफिक है, बहुत चीज़ां ने, मतलब कंसनट्रेशन मैनूं लगता है मैं इत्थे आके बैठांगा अद्धा पौना घंटा जिन्नी देर तक मैं आया हुआ मेरे दिमाग च होर आइडियाज़ आए हैं, इदां लगदा भी कुछ होर। हाँ मतलब ना ये जिहड़ा खुलापन है, ये जिहड़ा एनवायरनमेंट है इत्थे दा मौसम ही इक तां पोल्यूशन नहीं हैगी, ये बिल्कुल ग्रीनरी हैगी सारे पासे ते ये मैनू चीज़ां बहुत चंगियां लगी। मिस तां नहीं मैं करदा, जदों भी मिस करदा मैं चक्कर ला लेना। हाँ ठीक है। अच्छा एक गल होर है इसे सवाल चों होर निकलदा है कि तुसी शहर दे विचों कोई एक चीज़ जिहड़ी पिंड नूं देनी चाहुंदे हो ते पिंड दे विचों एक चीज़ जिहड़ी लैके जानी चाहुंदे हो? पिंड नूं जिहड़ी चीज़ मैनू लगदा है मिलनी चाहीदी है ओह है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। मतलब सारे हो सकता है खेती बाड़ी चे ना करन, कोई बिजनेसमैन बिजनेस चे भी बड़े, ट्रेडिंग चे भी आए हुन, जेडे भी फार्मिंग रेवोल्यूशंस भी इंडिया चे शुरू होने जा रहे हैं। उन्होंने भी मैं लगता है कि अपने पिंडा दे मुंडे या बंदे भी औरतां भी बाहर जाके भावें एजुकेशन का पार्ट बनन भावें पढ़ाउन जान बाहर, थोड़ा जा अंदर बाहर दा ट्रैवल शुरू करन। बिल्कुल ठीक है। सारे ही मैनू लगता है विदेश नूं जाण दी गल्लां करदे ने। हाँ वो थोड़ा जा हुण अपना रवैया थोड़ा जा बदलण दी कोशिश करन कि अपने कंट्री नूं भी थोड़ा जा कंट्रीब्यूट करन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्योंकि वो फर्ज भी बनदा साडा क्योंकि असीं जिथे जन्मे पले हैं जिथे रहे हैं असीं उहनूं वापस करिए है ना। बिल्कुल। ते पिंड दी जिहड़ी चीज़ां मैनू लगदियां वो मैनू लगदा है कि आई थिंक खाना पीना जिहड़ी फ्रूट वैजिटेबल है ये जिहड़ी इत्थे खेतां 'च उगदियां ने, ये केड़ी हैगी फसल, ये की हैगा? ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੀਜਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਡ ਇੱਥੇ ਉਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਉਸਕੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂड ਕਹਤੇ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਕਾਲ ਦਿਸ ਫੂड ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂड। सो जो यहाँ पे साग है, पालक है, यहाँ पे और विंटर्स में मूलियाँ आ जाएंगी, फिर मक्की है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे हमें गन्ना, शुगर केन, अगर सारे लोग इसको समझते हैं तो वो हमें मिला। ये बीच बीच में थोड़ा सा शुगर केन नज़र भी आएगा इधर। हाँ वो थोड़ा थोड़ा बचा है इधर। आपको ये पता है ये क्या होता है? ये क्या है? इसको चिब्बड़ बोलते हैं। चिब्बड़ ये ना खीरे जैसा है कुछ। हाँ मतलब इसके खीरे के बीज देख रहे हैं अगर आप, अगर इसमें दिख रहे हैं जूम करके। हाँ ये देखो ये खीरे के बीज हैं। अच्छा ये खाने में बुरा नहीं होता, ये बड़ा अच्छा होता है। हाँ पर ये इसको खा भी सकते हैं साफ करके धो के हमारे। हाँ, जो पुराने नहीं पर सैलेड की तरह खा सकते हैं। सैलेड की तरह। हाँ बिल्कुल अच्छा है। और ये नहीं साफ करके इसको धो के। अरे हाँ देखो और लगे हुए हैं नीचे लगे हुए हैं सारे। चिब्बड़ चिब्बड़ देखो इसका मुझे नहीं लगता कोई इंग्लिश वर्ड होगा। इंग्लिश वर्ड नहीं पता इसका मुझे भी। हाँ लेकिन पता नहीं होगा या नहीं। चिब्बड़। सो आई विल रिमेंबर दिस चिब्बड़। हाँ तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो प्योरिटी है ना वो शहरों में जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ से लोग चले तो गए हैं बट उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए हैं, तो वापस आके थोड़ा अच्छा तो लगता है। बिल्कुल। एक सवाल हो रहा है, एक स्टोरी टेलर होने के नाते हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ पंजाब के किस्से किन्ने मशहूर ने। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ तक ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਜੀਦਾ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ किस्से ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਸੰਦੀਦਾ कोई ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਉਸ ਤੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਰੋਮਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੋਮਾਂਸ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ किस्से ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ मतलब ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, मतलब किस्से ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ किस्से ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ मतलब ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਮਾਂਸ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਟਿੰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਬਟ ਟਿੰਡਰ ਵਾਲਾ ਰੋਮਾਂਸ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਸੇजेस कर सकती है, वीडियो कॉल कर सकती है। पहले तो एक बार बंदा कितने नू चला गया उन्होंने तो पता नहीं मुड़ के आना भी है कि नहीं। बिल्कुल। तो अज तो हर दो मिनट च मैं जी इत्थे पहुंच गया, मैं जी इत्थे पहुंच गई हाँ, मैं थोड़ी वेट कर रही हाँ, मतलब कितना कुछ चलता ना यार आजकल, है ना। तो वो मैनू लगता है कि अज के हिसाब नाल रेलेवेंट बनावांगा, पंजाबी लैंगुएज च बनाना चाहांगा, पंजाबी एक्टर्स नू लैके बनाना चाहांगा और पंजाब दे अंदर उन्नू मतलब फिल्माना भी चाहांगा। सारे वो कोशिश करांगा, लेकिन अगर मैं अटैम्प्ट करांगा तो मैं बिल्कुल एक मॉडर्न डे रोमांस अटैम्प्ट करांगा। बिल्कुल एक प्यार दी नवीं परिभाषा सैट करूंगी अपनी फिल्म मेकिंग दे हिसाब नाल जां किदां? शायद मैनूं लगदा है जो अधूरा हैगा वो पूरा करांगा। तुहाडी बहुत सोहनी फिल्म आई सीगी एक दा लास्ट डेट जी। वैसे जिवें कि हुण मुद्दे चल रहे ने अपने किसानां दे हक्कां नूं लैके, जो भी हुण सरकार वल्लों नवीं नीतियां आईयां ने हाँ जी, है ना, तो उन्होंने खिलाफ किसानों में रोस है तो प्रदर्शन चल रहे हैं। हाँ जी, तो एक थोड़ी फिल्म आई सी द लास्ट डेट। हाँ जी, हाँ जी, वो जो एक किसान का पुत्र होंगे वो बाहर तो आता है तो जो देखता है खेतों में अपने फादर को महसूस करता खेतों की मिट्टी में। हाँ जी, हूँ एक पास जिमें किसानों के प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे जोरों खरोर पर, है ना। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਕੋ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ एक गल करनी वक्री गल होंदी है, एक आके वाकई में इत्थे खेती करनी इन्हां दे चैलेंजेस समझने ये बहुत वक्री गल होंदी है। बिल्कुल। ते जो तक तुसी आओगे नहीं, तुसी आके इत्थे कुछ करोगे नहीं, जे तुहानू मैनू लगदा कि उन्हां नू इत्थे सारा कुछ मिलदा होंदा वो बाहर ही नहीं जांदे फर्स्ट प्लेस च। वो बाहर गए इस करके क्योंकि ये वो इस थां नू छड्डना चाहुंदे सीगे यार, ताईं तां गए। किसी दी मजबूरी तां बहुत घट लोकां दी सीगी कि बाहर जाना किहड़ा कोई सौखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैनू लगता है कि वो अपनी तरफों हुण फाइनैशियली हैल्प कर रहे हैं या कोई मीडिया च है, कोई पॉलिटिक्स हैगा है, बट वो रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस करनगे अपनी कंट्री च करनगे। हुण इंडिया का हिसाब तो इंडियंस नू देखना पैना। हाँ जी, इसे सवाल चों एक होर सवाल निकलता है कि जिवें हुण देश आज़ाद होने तो पहलां ते बाद विच काफ़ी फर्क सीगा किसान दी जिहड़ियां किसान लई जिहड़ियां नीतियां बनाईयां जांदियां सीगियां जां किसान दी जो एक ग्रोथ हो रही सी, डिवेलपमेंट हो रही थी, है ना, दी ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੁਕੀ ਵੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਤੇ ਤੁਰੀ ਵੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੁਰੀ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ इस बारे कहना मैनू लगता है जे किसान इस देश के खुश नहीं हैगे ते उन्हां नू सुनना चाहिए। हाँ, उन्हां दी समस्याओं का हल करना चाहिए। ठीक है, जे सरकार ने कोई पॉलिसी सरकार मैनू लगता है सरकार पब्लिक तो बनती है। पर सरकार दी कोई पॉलिसी जे पब्लिक नू नहीं पसंद आती तां वो पॉलिसी रिवर्क कीती जानी चाहिदी है। ग्राउंड लेवल ते एक विचार संवाद ते एक संवाद होना चाहिदा जिवें हुण विवाद हो रिहा ते पॉलिसी रिवर्क कीती जाए। जे किसान खुश ही नहीं है, किसाना करके बनी है, किसान ही खुश नहीं है ते ओनू नहीं बनना चाहिदा। बस मैनू इह लगदा है अपना डिस्कशन करके हाँ डेमोक्रेसी है, हाँ डेमोक्रेसी है। घट तो घट इन्हों का फर्ज बनता कि आके जमीन ते आके गलता करन बिल्कुल कोई ना कोई सोल्यूशन निकलूगा। इन्ना लोगों को तुसीं परेशान नहीं रख सकते, गल करनी चाहिए। बड़ी सुलझी हुई गल की तुसीं किसानां दे मुद्दे नूं लैके सरकार दी नीतियां नूं लैके। चलो साडा फर्ज भी बनता कि असीं गल करते रहिए क्योंकि तुसीं फिल्म मेकर हो गए जां जिहड़े समाज दे विच कुछ लोग ने जिहड़े लोकां दी गल करदे ने, अगर वो गल करदे रहणगे तां मुद्दा सामने आउंदा रहूगा। एक किरदार सीगा फिल्म दे विच, जुबान फिल्म बड़ी थोड़ी फेमस फिल्म है, हाँ जी, ते पिछे जी रिलीज़ हुई सीगी। हाँ जी, मैं पुछना चाहुंदा कि जे वो किरदार अगर बोलदा हुंदा तां की उसनूं इंसाफ मिलदा? सवाल ही है फिल्म च। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ थानेदार तक नहीं जा सकता, अगे नहीं पहुँच सकता। हाँ, तो वो कितने ना कितने सिस्टम का डर है जोड़े गवाह होंगे उन्होंने लैके कि जे तुसी किसी मुद्दे दे मतलब किसी क्राइम के गवाह बनते हो तो तुहानू सिक्योरिटी देना सरकार की जिम्मेदारी होंदी है। तो कितने ना कितने देखो सिस्टम से लूप होल्स ने, उन्होंने लूप होल्स में एक्सप्रैस करन दा भावें वो पंजाब के सिंगरस गाने गा के बिल्कुल ओनू कारण ठीक है। अब जरूरी नहीं कि जिमें हम किसानी मुद्दे नाल भी जोड़ा जाए कि भी हर किसान को बहुत नुकसान हुआ है, सारे नहीं ओनू ऑब्जेक्ट कर रहे बट मेजोरिटी कर रहे हैं। असी उन्होंने भी नहीं कह सकते ना कि वीर जी तुसी गलत हो गए कि तुसी सपोर्ट नहीं करते चीज़ नूं, नहीं। अगर उन्होंने लगता है वो सेफ ने वो ठीक ने तो आई थिंक वो अपनी तरफों गलत नहीं हो सकते। तो सिस्टम से सारे लोग ही नहीं गलत होंगे, ਜਿਹੜੇ बोल भी सकते हैं वो भी नहीं चाहते। मैं तो यह कहता ये गूंगे ने घट्टो घट्ट एफर्ट तो की बिल्कुल, ये सिस्टम बंदे नूं गूंगा बना देता है। असी फिल्म सिस्टम नूं लैके सीगी बहुत, हाँ सिस्टम बंदे नूं नाकाबिल बना देता है। जुबान उस बारे सीगी। फिल्म मेकिंग से पहले मेरे को ये जो है ना ये इसको क्या कहते हैं पिंड में आते तो ये मोटर है हमारी, मोटर समर्सिबल है, समर्सिबल जरा आके इसको दिखाया जाए ये हाँ इसमें से पानी निकलता है। हाँ, टू ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स दिस इज द विलेज एंड दिस इज द मोटर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? समर्सिबल मोटर, बम्बी, बम्बी बोलते हैं। बम्बी इज द पंजाबी वर्ड। इधर आओ, इनको साइंस समझाते हैं। इट हैज द मोटर एंड इट पुशेस द ग्राउंड वाटर सो पीपल कैन एक्चुअली यूज दिस वेल वाटर। वेल वाटर नहीं, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, प्योर वाटर। अब ये इसमें जैसे ये इतने पत्ते और ये खुला है ना इसलिए हाँ इसको कवर कर देते हैं, हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। जी बिल्कुल, नहीं अंदर नहीं बाहर बैठेंगे हम। अच्छा, मोटर के बिना बात भी नहीं बनती पंजाब की। हाँ नहीं, मोटर पे मैंने बड़े कोई भी बंदा बाहर से आएगा ना वो पहले मोटर देखेगा, मोटर पे आएगा कहाँ पे है ना, वो इनकम्प्लीट लगता है और ठंडा है पानी है ना। हाँ जी, जो अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे पंजाबी सिनेमा बन रहा है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? जो सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं कुछ उनको राय देना चाहते हैं या कुछ नया बनाना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सब अपनी किस्म का बहुत बेहतर सिनेमा बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जो स्टोरी या जो कहानी जिसको मतलब पसंद आती है, जिसको रास लाती है कि हाँ इस पर बढ़ना चाहिए और उसको बनाने के साधन भी बन जाते हैं तो वो फिल्में बन रही हैं। अब फिल्मों की वजह से मुझे ये लगता है कि बहुत लोगों को काम मिल रहा है। वो जैसी भी फिल्में बन रही हो, चाहे वो लव स्टोरी बन रही हो, चाहे वो कॉलेजों के न्यू एज रोमांस बन रही हो, चाहे वो जटों की लड़ाइयाँ या रंजिशें या शरीकेबाजी पे या पिंडों के अपने मसलों पर फिल्म बन रही है। ये नेचुरल साउंड आती रहेगी ना यहाँ पे, ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया, ट्रैक्टर की साउंड ये सबसे कमाल की बात है। तो ये जो रियलिटी है ना पंजाब की, इसको किसी भी तरीके से आप फिल्मों में दिखाओ। जैसे कि हमने कोशिश की कि अब क्राइम भी होता है, अब मेरा पसंदीदा है ड्रामा है, क्राइम है, मुझे लगता है कि मैं ये आपका पसंदीदा जॉनर है ना आप? हाँ, मुझे लगता है कि हाँ बुराई की हार हो और अच्छाई की जीत हो, तो ये हमारा सिलसिला चलते रहना चाहिए। देखिए आपके चक्कर में मैं हिंदी बोलने लग गया लेकिन मुझे आती नहीं है इतनी। तो बहुत अच्छी किस्म की फिल्में बन रही हैं और मुझे लगता है फिल्मों को लगातार बनते रहना चाहिए। उससे बहुत नई नई कहानियाँ मार्केट में आती हैं, उससे पता लगता है कि हमारे राइटर्स क्या लिख रहे हैं, हमारी आवाम लिखने वालों की तादाद में क्या सोच रही है, और अगर वो कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिससे समाज की चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो सिनेमा बहुत अच्छे तौर पे दिखा पाता है। लेकिन हिंदी फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है, आर्मी पे फिल्में बनती हैं, नेवी पे फिल्में बनती हैं, मतलब इतनी फिल्में बन रही हैं, क्राइम ड्रामा बायोपिक्स बनती हैं। पंजाब में मुझे लगता है कि ओवरऑल इन पूरे मुद्दों को जो ऑलरेडी एक हिंदी सिनेमा देख देख के आवाम बड़ी हुई है वो मुद्दे यहाँ बना नहीं रहे हैं। यहाँ बस थोड़ा सा एक लिमिटेड दायरा है, या कनाडा शूट कर लो या यहाँ शूट कर लो, मतलब मुझे लगता है इससे भी ज्यादा बढ़ के उन्हें कहानियां पे बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ज्यादा करके लोग व्यापारक लोग जुड़ चुके हैं फिल्म मेकिंग दे है ना काम वाल। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡਮਿਟਡ ਕਦੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਤੇ की उन्होंने जिम्मेदारियां हैगियां ने वो ना लोकां सामने पेश करदा। पता नहीं ये होंदा है मेरे नाल कि मैनू सब्जैक्ट ही शायद इदां नहीं समझ में आंदे। मैनू लगदा कि जिहड़े बनने चाहिए ने बट लोकी उन्होंने टच ही नहीं कर रहे, तां करके फिर एडमिटेड बनी, जुबान बनी, द लास्ट डेट बनी, टाइड ऑफ टाइम, लकी कबूतर, इन्हीं फिल्मां असीं बनाइयां और उन्होंने फिर रिलीज़ करना भी एक चैलेंज रहता है। मैनू लगदा कि थिएटर्स 'च नहीं लोकी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहुंदे कि ये फिल्मां लगण, पता नहीं क्यों नहीं चाहुंदे कि ये फिल्मां लगण ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਨ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਲੋਕੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਰਟ ਸਿਨੇਮਾ ਆ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਆਰਟ ਹਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਰਟ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਲਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਇੱਥੇ ਬਣਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਲਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਫਿਲਮ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਰੀਜਨ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਡੀਅੰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹਜੇ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟ ਐਂਡ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਫਸਟ ਡੇ ਆਫ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਨਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਜਾਂ ਨਾ ਆਈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਆਓ ਭਾਵਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਐਵੇਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਗਲਾਸ ਫੜੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰੇਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਫਰੇਮ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਜਸਟਿਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ? ਕਦੀ ਦੋ ਕੁ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਮਝਾਂਗਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਸ ਨੇ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਕੱਟ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਜਸਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਨਿਖੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। हाँ बिल्कुल, वो परफॉर्मेंस हाँ बिल्कुल, मतलब मैं इस मामले से तो बहुत खुशकिस्मत हाँ। मैं मैनू बहुत चंगे एक्टर सारे मिले ने, मतलब गुरप्रीत को भी आप देखोगे, गुरप्रीत वड़ैच JSLive 2 में गुरप्रीत वड़ैच ने पहली बार परफॉर्मेंस दी थी और वो मतलब हंस के मैंने विलन बनाया सीगा, याद रखियो हाँ। और बदलती सोच के लिरिक्स लिखे गुरप्रीत वड़ैच ने, बदलती सोच जेम्प्लेक्स पे अवेलेबल है देखने को। और लकी कबूतर की ओपनिंग लाइंस लिखी थी गुरप्रीत ने, और रूह में गुरप्रीत थे। दिल की दस्तक हमारा बहुत अच्छा पोएट्री का प्रोग्राम था। तो कुछ किरदार ऐसे रहते हैं हमारे कि जब लोग मतलब जब हम उन्हें वो रोल देते हैं, जो आपका जवाब ऑडियंस को दे रहा हूँ, तो वो अपनी ना पोटेंशियल से जो हमारी इमेजिनेशन है कभी कभी उससे बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं। तो वही है ना एक अच्छे कलाकार की मतलब निशानी यही है कि वो आप का स्क्रिप्ट को समझ ले, अगर समझने में गैप है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और कोई भी आर्टिस्ट है वो आई थिंक अपना 100% नहीं 200% देना चाहता है, क्योंकि उस पे बहुत कुछ टिका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। जिदा हुण के सेकंड पार्ट आ जांदा फिल्म दा है ना। हाँ जी, ते तुहाडी फिल्म सीगी JSLive, हां ਉਹਦਾ ਵੀ 2 ਆਇਆ ਸੀ, 2 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟ 2 ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਲਾਨ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਥੀਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। अच्छा, जिवें अज कल सारा कुछ हुण डिजिटल हो गया, OTT दा टाइम हैगा है ना, ये कितना अफेक्ट करदे ने मतलब कि डायरैक्टर नूं कह लो कि वो अपनी कहानी नूं घुट के नहीं दिखा सकदा, खुल के दिखा सकदा। ये की लगदा जिवें एक सिनेमे विच फिल्म आउंदी सीगी, अपना सेंसर दियां कुछ हुंदियां सीगीयां मजबूरीयां, हुण OTT नूं लैके ते एक आम जिहड़ी सिनेमे च जांदी है फिल्म, इहदे विच की फर्क महसूस करदे हो एक डायरैक्टर लई? देखो, सिनेमा दा एक वखरा ऑडियंस हैगी, ऑडियंस वक्री मैं इस करके समझेगा क्योंकि सिनेमा एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली जाती है फिल्म देखने। बिल्कुल। लेकिन OTT पूरी की पूरी फैमिली साथ में बैठ के सारे प्रोग्राम नहीं देखती है। अब OTT पे उस तरीके की फिल्में आ रही हैं जो सिनेमा ऑलरेडी नहीं ले रहा था, नहीं। और OTT पे फिल्मों से ज़्यादा OTT का चाल चलन वेब सीरीज से चला है, क्योंकि वहाँ ड्यूरेशन बढ़ गई है, 40-40, 20-20 मिनट के, आधे घंटे के, 7-7, 8-8 एपिसोड। अगर आप सबको जोड़ो तो 4 घंटे की, 6 घंटे की, 8 घंटे के एपिसोड हैं। अब 8 घंटे का सिनेमा नहीं आप थिएटर में देख सकते, क्योंकि उतनी देर आप ऑडियंस नहीं बिठा सकते। तो उनके लिए वेब प्लेटफॉर्म अब कामयाब हो गया है। सेंसरशिप की जहाँ बात करें तो सेंसरशिप पे मेरा ये रहा है कि शायद मैं उतनी क्या कहते हैं उस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं कर, बहुत ज्यादा करना उचित नहीं समझूंगा। सेंसरशिप का मतलब लैंग्वेज पे या ऑब्सैनिटी पे इतना डाल देते हैं, तो वो मुझे लगता है कि एक पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं, जैसे कई डायरेक्टर हैं बड़े, बॉलीवुड के बड़े नाम डायरेक्टर हैं, जो जिनको लगता है कि जैसे अभी जो OTT प्लेटफॉर्म आए हैं वो उनको एक ऐसी है कि बड़ी बड़ी चीज मिल गई है उनको कि अपनी चीज। देखो, अभी भी बहुत चीजें तो बहुत स्टूडियोज के हाथ में ही है, वही लोग थे जो फिल्में बना रहे थे, वही लोग हैं वेब सीरीज बना रहे हैं। अपनी स्टोरी बता सकता हूँ, अपनी कहानी बता सकता हूँ खुल के, अपनी पहले भी वो खुल के ही बता रहे हैं। कोई मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने फर्क नहीं लगा, घुट के कहानियां सुनाई हूँ। तब बताने के लिए 2 घंटे उन्होंने तय किए थे, अब वही बताने के लिए उन्होंने 6 घंटे तय कर लिए हैं। अगर उस पे प्रोडक्शन हाउसेस की रजामंदी और OTT प्लेटफॉर्म की रजामंदी है तो वो बनाते जाएंगे, ऑडियंस देखती जाएगी और बनाते जाएंगे और देखते जाएंगे। अगली फीचर फिल्म कदों लेके आ रहे हो? मतलब तुसी शॉर्ट फिल्मां तां बना ही रहे हो है ना, ते फीचर फिल्म कदों लेके आ रहे हो, ते की टॉपिक होएगा? फीचर फिल्म जल्द लेके आवांगा, लिख चुके हैं जी, ते वही अपना एक चंगा जा मुद्दा होएगा फिल्म से, आवाम ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾਈ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਸ ਅਜੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि बुराई दी एक दिन हार होनी है, अच्छाई दी जीत होनी है। हाँ, किरदारां नूं नाल नाल सिनेमे दे विच लैके आउण दे नाल नाल तुसीं खुद भी किरदार कोई निभा रहे हो कि नहीं? नहीं, आजकल आप भी स्क्रीन ते आउण दा है कि नहीं विचार? नहीं, मैनू लगदा है कि शायद जिहड़ी मेरी मैनू गल पसंद आंदी है वो कहानियां कहण दी आंदी है, जिहड़े फिल्मां बनाउण दा मैनू स्वाद आंदा ना। एक अभिनेता दे तौर ते कोई अजे मूड नहीं हैगा तुहाडा? मैनू लगदा यार ठीक है, किसी नूं लगदा है कि मैं ओहदी स्टोरी नूं जस्टिस कर सकदा, शायद मैं आप नूं लै के नहीं ओ सोच सकदा गल। किसी और नू लगता है यार, आपको लगता है कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ तो यार बता दो। मैंने तो पिछले शोज में भी कहा था कि अगर बता सकते हो तो। गुरप्रीत कह रहा है, इशारा दे ही जा रहा है बार बार। भाजी ने कहा कि देखो मैं थोड़े नाल हर जगह है ना, जिथे भी तुसीं कहने कि गुरप्रीत आ जा मैं आ जाना, बट मैं हुण मेरी एक दिल की तमन्ना हैगी है कि मैं हरेक किसी नाल नहीं, हरेक नू कहंदा भी नहीं हैगा, पर भाजी नाल मैं एक लीड रोल च जरूर काम करूँ। ठीक है भाजी, जल्द इन फ्यूचर करांगे जरूर, है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो है, ये तेरा चलो लीड भी होवे या ना होवे एक इंपॉर्टेंट रोल एक ना, क्योंकि थोड़े डायरेक्शन च मैं करना चाहना काम। ठीक है, तो मैनू वधिया लगदा है कि मैं थोड़े नाल। ठीक है ठीक है। It's good to walk. It's really good to walk in the villages. और मैं आज सुबह ही बात कर रहा था द डे वी आर फिल्मिंग दिस एपिसोड कि मतलब ऐसी ना खाली सड़कें मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती हैं। पीछे दिखाओ खाली सड़क और घुमा के वहाँ तक दिखाओ खाली सड़क, तो दूर एक ऑटो जा रहा है। तो मैं अपने भाजी लिए एक हल्लाशेरी के तौर पर थोक लाइना बोलनी चाहूँगा कि घड़िओ ना किसे सिरजते रहो कहानियां, घड़िओ ना किसे सिरजते रहो कहानियां, धरती ते अंबर दा रिश्ता भी दिखाउणा, गल करना उन्हां पंज पाणियां। बड़े किरदार रोना चाहुंदे ने, हसना चाहुंदे ने, तुसीं रल के जिउंदे करना उन्हां विसर गईआं कहानियां। सो मैं तुहानूं शुभकामनावां देणियां चाहुंदा कि तुसीं अग्गों पहले इसका मतलब समझाओ हमारी ऑडियंस को। इसका मतलब है कि घड़ियों ना किससे सिरजते रहे हो कहानियों कि अपनी तरफ से मत बनाना उनको, ऐसे मतलब कि जो कहानियाँ बनना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं, वो बना के आप पेश करो उनको। मतलब कुछ भी बनावटी नहीं। हाँ, बनावटी ना हो, जो है सच है उसको सामने लेके आओ। पूरी कोशिश रहेगी मेरी। हाँ, कि जो हम बनाएं वो ऑडियंस को पसंद आए, उन्हें बहुत नेचुरल लगे, उनकी अपनी अंदर की कहानी कोशिश करें हम पर्दे पे लेके आएँ। हम किसी भी फॉर्मेट में वो फिल्म बनाएं आने वाले टाइम में जो हम शुरू करने जा रहे हैं, चाहे वो मतलब दिसंबर में हमारी जितनी भी नवंबर दिसंबर में रहेंगी शूटिंग्स, तो कोशिश करेंगे कोई ऐसी कहानी लेके आएँ आप सबके सामने जो आप सबके दिल के करीब हो, जो आप सबको सोचने में कुछ मजबूर करे, कोई ना कोई ज़िंदगी का एक पहलू खोले। जी बिल्कुल। और ये बहुत टाइम बाद शायद एक एपिसोड रहा होगा मेरा कि जो कि मैंने एक तो पिंड में आके शूट किया और दूसरा पंजाबी में इतनी बात की काफ़ी अरसे बाद। पिंड में आते तो पंजाबी बोलने लग पड़ते हैं, तो पिंड वर्ड बोलने से ही पंजाबी आ जाती है। आप पंजाबी बोलने लग गए, आपके साथ खड़ा होकर मैं हिंदी बोलने लग गया। तो देखो जी कल्चरल एक्सचेंज हो गया है। और ये हमारी बहुत अच्छी टीम है साथ में, बहुत कम क्रू रहता है इन शूट्स पे, लेकिन सब लोगों को इस बार हम लेके आए। ये भास्कर है, सिमर है और आयुष है, और बहुत उम्दा एक्टर्स हैं ये लड़के, और ये बहुत बड़ा एक्टर है। ठीक है, सो साइनिंग ऑफ। आई होप आपको हमारा ये एक कोशिश जो है आपको पंजाब का एक अच्छा गांव दिखाने की, खूब सारे ब्यूटीफुल विजुअल्स दिखाने की, वो विजुअल्स जो फिल्मी विजुअल्स नहीं हैं बट जिन्हें हम कहते हैं कि असली विजुअल्स हैं, वो दिखाने की आपको पूरी कोशिश की गई है। तो आई होप आपको पसंद आए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर एपिसोड ऑफ आस्क ओजस्वी। और आपके जो भी सवाल हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हमारी टीम पिक करे। और यार लोगों को लगता है हमारी कोई टीम टूम है नहीं है, मैं खुद ही बैठा कॉपी पेन से सवाल नोट करता हूँ। अरे भैया मतलब ऐसा है, मतलब तो कुछ लोग ऑफिसेज में हैं, कुछ लोग आउटडोर लोकेशन पे हैं, और कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। इतना कहूँगा कि बहुत देख परख के हम जगहों पे ट्रैवल कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करके जितना भी हम कोशिश कर पाते हैं, क्योंकि मास्क पहन के हम हर जगह फिल्म नहीं कर पाएंगे, खासकर जब हम ऑन कैमरा बहुत ज़्यादा आएंगे। तो गुरप्रीत वड़ाइच एक बहुत ही उम्दा राइटर, पोएट और एक्टर हैं, और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने हमारे साथ काम भी किया है। और ख़ास इनके इतने सवाल थे तो हमने कहा क्यों ना ये ख़ास एपिसोड हम इनके पिंड में आके शूट करें। और ये एपिसोड मैं एक बहुत ही बेहतरीन विजुअल पे ख़त्म करूँगा जब आप एंड क्रेडिट्स देखेंगे। तो ज़रा यार ये उठा के घुमा के ना ये विजुअल दिखाओ सबको कि ये जो है ये गांव की जो ब्यूटी है ये, तो ये जो है ना ये स्काई विजुअल्स। गाइस सिटी हॉलिक्स आई थिंक आप लोग इधर आओ। ये जो है ना ये पिंड की ब्यूटी ये है, ये पूरा एक क्लीन एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल अच्छा एक ब्यूटीफुल वेदर है और फॉग होनी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है और ठंड भी होनी शुरू हो गई है, बिल्कुल। और वी आर एंजॉइंग द वेदर लाइक एनीथिंग। सो साइनिंग ऑफ, दिस वाज वन गुड एपिसोड। आई एंजॉयड फिल्मिंग फॉर आस्क ओजस्वी और आई होप इनके मैंने बहुत सवालों के जवाब दिए और अगला एक एपिसोड लेके आएंगे आपके लिए खास बहुत जल्द। Stay tuned and keep watching Ask Ojaswwee on Rolling Frames Entertainment, signing off. Wow.